हाय गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं। ये नई अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने यूपीपीएससी में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा दी थी और उनका रिजल्ट आ गया था, और अब उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी जारी कर दी थी, लेकिन उसमें डेट कन्फर्म नहीं थी। लेकिन अब डेट कन्फर्म भी कर दिया उन्होंने कि किस डेट में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलते हैं, आपको वो ऑफिशियली नोटिस दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये आज की डेट यानी कि 25 मई को ही लेटर जारी किया है, अपलोड किया है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 में केवल लिखित यानी मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन निम्न कार्यक्रमानुसार संपन्न होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पद दिया हुआ है और इस पद का किस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ दिया है, और कितने बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और चयन क्रमांक है उनका जो चयन हुआ है उस क्रमांक में यहाँ उन्होंने दे रखा है कि 1 से लेकर के 25 तक का जो इनका क्रमांक है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जैसे सीरियल नंबर की यहाँ बात की है 1 से 25 तक का, और ये सीरियल नंबर उसमें होगा जिसमें वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए पौध संरक्षण शाखा, यानी कि ये आपकी देखो लिस्ट जारी हुई थी, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि पौध संरक्षण, इसमें जो सीरियल क्रमांक यहाँ दिया गया है 1 से लेकर के 25 तक, जो ये नाम दिए गए इसमें यहाँ तक 25 तक इनका होगा ये सीरियल नंबर। इसके अनुसार उन्होंने डीबी लिस्ट डाली है। तो इसके बाद 25 के बाद जो शेष आगे के लिए हैं इसी में है, देखो प्लांट प्रोटेक्शन उसमें टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है, तो इनका जो है अगली डेट में होगा। इनका देख रहे होंगे आप जो 26 से 50 तक हैं उनका यहाँ 9:30 बजे से था, इनका होगा 1:30 बजे से, उसी डेट में है 30/5/2022। तो अलग अलग समय में उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया है कि 1 से 25 तक का जिनका क्रमांक है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9:30 से शुरू होगा, और जिनका 26 से 50 तक क्रमांक है उनका 1:30 से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। इसी प्रकार से अगला जो है आपका जो पद है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए रसायन शाखा, इसमें भी देखिए 30 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसमें 2 शिफ्ट हैं, 1:30 बजे से 1:30 बजे से। तो 1 से 50 तक का होगा 9:30 बजे से, 51 से जो 98 हैं उनका होगा 1:30 बजे से। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति शाखा के लिए ये भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 तारीख को है, और इसमें 1:30 बजे से होगा वेरिफिकेशन आपका 1 से 5 तक के क्रमांक के लिए, इसमें इतने ही बच्चे थे। और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए सस्य शाखा के लिए 31/5/2022 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि यहाँ 30 तक था। इसके बाद अगला जो है देखिए यहाँ से 31 तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये सस्य शाखा वाला, इसमें 9:30 बजे से होगा और 1 से 25 तक के क्रमांक का होगा। और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा, इसमें इन्होंने 2 डेटों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया, 31 और 1 में, 31/5 और 1/6। तो यहाँ देख रहे हैं 2 शिफ्ट दे रखी हैं 9:30 से और 1:30 बजे से, और 1 से लेकर 50 तक का यहाँ पे है 51 से 125 तक का 1:30 बजे से। फिर 1 जून 2022 को 9:30 बजे से 126 से लेकर के 200 तक का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद 1:30 बजे से 1 जून 2022 को 201 से लेकर के 280 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये तो था आपका शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किस डेट में और कितने बजे से होगा। अब देखिए यहाँ उन्होंने बताया है अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर के होम पेज पर क्लिक हियर टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म सेट फॉर कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम 2020 पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और बेसिक डिटेल्स भर के जैसे कि जन्म तिथि है, लिंग है, निवास है, श्रेणी है इत्यादि सबमिट करके पूर्व में भरे गए ऑनलाइन फॉर्म सेट आवेदन पत्र प्रमाणीकरण प्रपत्र
देशना प्रपत्र व अंक तालिका विवरण को मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों का 2 सेट तैयार करना पड़ेगा आपको। उस फार्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 2 फोटो 2 अप्रमाणित फोटो अर्थात कुल 4 फोटो लेके जाने हैं आपको, 2 प्रमाणित कराने हैं और 2 अप्रमाणित कराने हैं। और जो आपको डेट और समय दी है उसमें आप सही समय पर पहुंचेंगे और प्रथम सत्र में पूर्वाह्न 9 बजे तथा द्वितीय सत्र में 1 बजे आयोग परिसर यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उन्होंने शिफ्ट जो दिया है 9:30 बजे वाली है इसमें आपको 9 बजे पहुंचना है और जो 1:30 बजे वाली है इसमें आपको 1 बजे पहुंचना है। इन्होंने यहाँ ये देखिए साफ साफ कहा है कि 9 बजे पहुंचेंगे और द्वितीय शिफ्ट में 1 बजे पहुंचेंगे। प्रयागराज में स्थित सरस्वती भवन में पहुंचना सुनिश्चित करें। अभिलेख सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित समस्त अंक तालिकाओं उपाधि एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लाएं। जिसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है जैसे कि यहाँ उन्होंने नीचे दे रखा है। जैसे आपको यहाँ दे रखा है नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र और इसका PDF फाइल का एक फॉर्मेट नीचे दे रखा है आप वहाँ देख सकते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत सभी अभ्यर्थी को सेवा योजक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में अवश्य लाना पड़ेगा जो कई कार्य कर रहे हैं। और यहाँ इन्होंने बताया वांछित मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाना असंभव होगा यानी कि संभव नहीं होगा। अभ्यर्थीगण उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेख परीक्षण या सत्यापन हेतु उपस्थित हों। तो ये थी आज की अपडेट और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें शेयर अवश्य करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।